₹50 बचाने के चक्कर में वाट लग रही है यहाँ पे। स्पीड है। तो यहाँ पे भी मैं बोल ही रहा था कि यहाँ पे फ्लो ज़्यादा है, तो बेचारी लड़की चली गई। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम लोग जाने वाले इंस्टाग्राम के मोस्ट वायरल रील के लोकेशन के पास, जो कि है वाटरफॉल। बहुत ही बहुत सारे वीडियो में आपने इस वाटरफॉल को जरूर देखा होगा, जो कि है आपका गॉड्स वैली। और देखा जाए तो इसका नाम एक्चुअल नाम है कालू वाटरफॉल, जो कि भगवान के नाम पे ऊपर रखा गया है। तो अभी फटाफट जान लेते हैं यहाँ पे आने के लिए आपको क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप कालू वाटरफॉल नीचे से अगर देखने जाना चाहते हो, जैसा मैं जा रहा हूँ अभी, तो आपको सबसे पहले पहुँचना होगा सावरणे विलेज, जो कि आता है आपका मालशेज घाट स्टार्ट होने के टाइम, उससे पहले ही आ जाता है आपको अगर आप मुंबई से आ रहे हो तो। अगर आप पुणे से आ रहे हो तो आपको घाट उतर के नीचे आना होगा। अगर आप टॉप व्यू मतलब कालू वाटरफॉल अगर ऊपर से देखने जाने चाहते हो तो आपको घाट पूरा खत्म करके ऊपर जाना होगा अगर आप मुंबई से आ रहे हो तो। तो याद रखना, अगर आपको जो इंस्टाग्राम का जो वायरल वीडियो है उस लोकेशन पे जाना है, उस व्यू को देखना है, तो आपको सावरणे विलेज से ही जाना होगा, जिसका मैं लिंक दे दूंगा GPS का नीचे, तो वहीं से आपको एंट्री है। अगर आप कालू वाटरफॉल डालोगे तो आप टॉप पे व्यू पे पहुंच जाओगे, तो अगर वहाँ से जाना है तो वो भी जा सकते हो। अगर आपको वायरल लोकेशन पे जाना है तो नीचे से जाना होगा सावरणे विलेज, जिसका मैं GPS लिंक दे दूंगा नीचे। सावरणे विलेज से मुंबई का डिस्टेंस है 120 किलोमीटर। अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट की मदद से यहाँ पे आना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पहुँचना होगा कल्याण रेलवे स्टेशन। मुंबई से आपको बहुत सारी लोकल ट्रेन मिल जाएगी कल्याण के लिए। उसके बाद आपको लेना होगा मालशेज घाट के लिए बस। तो मालशेज घाट शुरू होने के पहले हमारा सावरणे विलेज लग जाता है, तो आपको सावरणे विलेज आपको उतरना पड़ेगा। और वहाँ से उतरते मैं GPS का आपको लोकेशन दे ही दूंगा एंट्रेंस गेट का। तो मैं तो आपको बोलूँगा आप अपने पर्सनल व्हीकल से आए तो अच्छा होगा, आपका बाइक या कार अंदर जाता है अंदर तक, तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं, आप चल के जा सकते हो, बस ये है कि आपको एंट्रेंस गेट से आपको अंदर 5 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। तो अभी हम लोग पहुंच गए वाटरफॉल के एंट्रेंस गेट पे, जो कि मैंने बोला था बॉटम से नीचे से अगर आप देखने जाते हो वाटरफॉल को, तो वो वाला लोकेशन के लिए आपको जाने के लिए सामने जो ग्रीन कलर का आपको बोर्ड दिख रहा है, तो वहाँ से एंट्री है। तो फिलहाल मैं गेट से इधर इसलिए खड़ा हूँ कि यहाँ से आपको कालू वाटरफॉल देखने मिल जाता है, जो कि सामने है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, फिलहाल अभी वहाँ पर फॉग है। वो रहा सामने हमारा वाटरफॉल, तो यही से रोड से ही देखने मिल जाता है। तो अगर आप पुणे से आते हो तो आपको ये रास्ता है, पूरा घाट उतर के आपको आना पड़ता है। और ये हमारा मुंबई वाला रोड जहाँ से मैं अभी आया हूँ, और ये सामने आपको ये ग्रीन कलर का गेट मिलता है, जो कि कॉमन है, आपसे बहुत सारे वीडियो में देखा रहेगा। तो अभी हम लोग ने गेट से एंट्री किया और यहाँ पे हम लोग को जाना है, और सामने वहाँ पर वाटरफॉल है जो मुझे पता है, अभी वहाँ से मुझे दिख रहा था। तो ये रोड तो अच्छा है, गाड़ी वीडी तो जा रही है, मतलब कच्चा रास्ता है पर गाड़ी वीडी फोर व्हीलर जा रही है। तो यहाँ पे थोड़ा आगे आते ही यहाँ पे आपको एंट्री पास लेना होगा, जिसका प्राइस होगा 50 रुपीज़। तो यहाँ पे आपका डिटेल्स वगैरह लेंगे और उसके बाद आपको आगे जाने देंगे। तो यहाँ से राइट है विलेज से आके, तो गाड़ियों के पीछे पीछे चल रहा हूँ मैं भी। तो यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको कार के लिए पार्किंग के लिए है, नेचुरल एकदम जगह है कि पता नहीं बनाया है, पर यहाँ पे कार ऑलरेडी पार्क है, तो इसके आगे गाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पे नदी क्रॉस करके जाना पड़ेगा और रिस्की है। तो हमने हमारी बाइक यहाँ पे पार्क कर दी है पीछे, और यहाँ पे बहुत सारी फोर व्हीलर भी यहाँ तक आई है लास्ट तक। अगर आपके पास टैलेंट है ऑफ रोडिंग का तो आप यहाँ पे आके गाड़ी ला सकते हो वहाँ से क्रॉस करके, नहीं तो मैं बोलूँगा वहीं पे पार्क कर दो और थोड़ा सा चल के आना पड़ेगा, एक 5 से 10 मिनट। और यहाँ से अभी हम लोग को यहाँ से अभी जाना है, और सामने उधर ही रिवर है, रिवर क्रॉस करना, देखते हो वहाँ पे रोप वगैरह लगा है कि नहीं करके। तो जैसे कि आते हैं हम लोग को जो ऊपर से मैं जो बोर आ रहा रिवर क्रॉसिंग है, तो ये छोटा वाला रिवर क्रॉसिंग है, इसके बाद हम लोग का जो बड़ा वाला रिवर क्रॉसिंग आएगा जो कि आपको सामने दिख रहा है फिलहाल। तो यहाँ तक ही लास्ट हमारा बाइक पार्क होता है, जो हमने ऊपर पार्क किया है। तो फिलहाल अभी यहाँ से रिवर क्रॉस कर दे, सीधा जाते हैं आगे बड़े वाले क्रॉसिंग पे। तो दो रास्ता आएगा, हमें लेना है यहाँ से लेफ्ट, तो चलते हैं लेफ्ट। तो जहाँ पे बाइक लगाया तो वहाँ से हो गया 15 मिनट चलते हुए, तो मुझे लगता है 20 से 25 मिनट या आधा घंटा लगेगा वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए थोड़ा सा क्लोज वाटरफॉल के। और जो टॉप व्यू मैं आपको बोल रहा था वो यहाँ पे ऊपर, तो वहाँ पे एकदम टॉप पे जाने होता है। तो यहाँ पे अगर आपको कालू वाटरफॉल जाना है तो ये रिवर क्रॉस करके जाना पड़ता है उस तरफ। फिलहाल तो अभी फ्लो कम है, पर ज़्यादा अगर बारिश रहेगा तो ज़्यादा फ्लो रहता है, तो आपको ये रिवर क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो यहाँ पे रोप वाला सर्विस अभी चालू किया है फिलहाल,
तो यहाँ पे दादा किती ला तुम्ही एक सीधा शंभर रुपये पर पर्सन जाऊन परत येणार रिटर्न येताना पैसे शंभर रुपये माझं रिटर्न अच्छा आणि काय तुम्ही आणि ग्रुप पासून जेवणाचं पण आहे का जेवणाचा पण करता तुम्ही आणि स्टे बी पण करता आणि गाईड बीड पाहिजे असेल तर गाईडचं किती आहे 1000 रुपये गाईडचे 1000 रुपये मध्ये पूर्ण तिथे जाऊन वॉटरफॉल पर्यंत सोडणार परत घेऊन पण येणार ग्रुपला तो अभी मेरी इनसे बात हुई है अगर पानी का अगर फ्लो ज़्यादा होगा तो आप इस रोप को यूज़ कर सकते हो आपको पर पर्सन आपको 100 रुपये देना होगा उसी 100 रुपये में आप रिटर्न आ भी सकते हो अगर आपको खाने पीने और रहने की व्यवस्था करके चाहिए तो उसका भी ये करा देंगे इनका स्टे वगैरह है अगर आपको गाइड चाहिए जो आपको सेफली लेकर जाके रिटर्न लाए तो आपको गाइड भी मिल जाएगा तो गाइड का उन्होंने बोला 1000 रुपीज़ तो इनका मैं नंबर दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हो बात कर सकते हो कॉन्टैक्ट करके इनका नाम सचिन है और अगर नदी में फ्लो कम है जैसे कि अभी कम है तो करेंट सिचुएशन में ये 50 रुपये में दे रहे पर पर्सन तो फिलहाल अभी फ्लो कम है तो यहाँ से जाते तो सब लोग यहीं से जा रहे तो यहाँ से क्रॉस करके हमें वहाँ पे ऊपर जाना है लेफ्ट से सब लोग जा रहे हैं वहाँ पे और वहाँ पे वाटरफॉल तो ये रोप अगर पानी बढ़ गया तो वापस इससे आ जाएंगे हम लोग अरे बोल रहा उंगली नहीं दिखाए उंगली नहीं करने का सब लड़के को पहले ले रहे हैं नहीं शादी कर दे उधर नहीं है फ्लो ढकले 50 रुपये बचाने के चक्कर में वाट लग रही है यहाँ पे तो चलो अभी थोड़ा कुछ लोगों को मदद कर दे तो मैं तो आ गया हूँ देख इधर एक पैर रखो हाँ एक हाथ दे भाई हाँ उसको ले इनको ले लेंगे इधर पैर दो हाँ थैंक्स ब्रदर हाँ ठीक है पूरे पूरे पाए हाँ हजार पाए दे तो अभी कुछ लोग वहाँ पे से डायरेक्ट देख रहे हो वहाँ से कुछ ज़्यादा फ्लो है पत्थर पत्थर के ऊपर से आओगे तो किसी का लगेगा नहीं तो वहाँ से भी कुछ लोग गए वो भी सीख है सही है पर अकेला नहीं आना मेरे ऐसा वाट लग जाएगी पर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं हो जाएगा तो ये रिवर क्रॉस करके भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है पर ज़्यादा अगर फ्लो रहेगा तो मैं प्रेफर करूँगा ऐसे रोक के आना और अगर आपके साथ कोई है नहीं ऐसा और यहाँ पे कोई नहीं रहेगा अगर हेल्प करने तो मैं बोलूँगा आप रोप से ही आए मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी ये लगता है फ्लो है नहीं करके पर एक्चुअली में बहुत फास्ट है आपका पैर ऐसा बैलेंस भी नहीं होगा इसमें मतलब आई एम सॉरी बाबू होगा इसमें मतलब ये इतना फोर्स है कि आपके पैर को धक्का मारेगा और मुझे लगा मैं ही यहाँ पे बहुत स्मार्ट हूँ जो मंगलवार के दिन यहाँ पे आया हूँ कि गर्दी नहीं रहेगा करके यहाँ पे और मंगलवार के दिन आप देख सकते हो नज़र मारो उधर बंदे हैं यहाँ पे सब जगह बंदे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे अभी लोग भी समझदार हो गए अभी वीकडे में आने चालू हो गए और वीकेंड में तो यहाँ पे आना बिल्कुल बेकार है बस अभी थोड़े से दूरी पर हैं हम लोग और अगर फ्लो ज़्यादा रहेगा तो वहाँ से भी ऊपर से भी जा सकते हो वहाँ से लोग जाते फ्लो ज़्यादा रहेगा तो अभी तो फ्लो कम है तो यहाँ से भी जा सकते हो साइड से
बहुत सारे लोग यहाँ पे ही नहा रहे, शायद से आगे जाके आए, ये देखते हैं आगे जाने मिलता है कि नहीं। अरे यही वो डर नहीं, आगे जाने के लिए रास्ता है। तो यहाँ पे भी मैं बोल ही रहा था कि यहाँ पे फ्लो ज़्यादा है, तो बेचारी लड़की चली गई। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ से मत आना, फ्लो कम रहे ज़्यादा रहे, यहाँ से रास्ता है ऊपर, मेरे ध्यान में नहीं आया, जब भी थोड़ा सा चढ़ के जाना पड़ता है और वहाँ से जाना। देखो यहाँ भी गिर गया इधर, तो बेचारी लड़की अभी रो रही है, वहाँ पर उसको पता नहीं है, डर गई है, ये भी गिर गया अभी। रिस्की तो है भाई, जोर से बारिश आ गया तो वाट लग गया जाएगा। इसके पहले मेरे को फटाफट वाट पे जाके आता हूँ, मैं तो फंस जाऊँगा लगता है। ऊपर से रास्ता है कि नहीं मालूम है मुझे, फिलहाल अभी कॉर्नर से जाता हूँ। तो यहाँ पे भी इतना रश है आप क्या बोलूँ मैं, एकदम आगे से आ गया हूँ और रश देखो आप मेरे। कितना दूर? केरला से। तो भाई थे केरला से आए खाली ये वाटरफॉल देखने के लिए, तो मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जा ही नहीं है, इसे देखने का मन कर रहा है, लोगों को भी बहुत सही लग रहा है, पानी भी एकदम बहुत ठंडा है। तो बारिश भी आ गया। अभी फ्लो बढ़ने के पहले यहाँ से निकलना चाहिए, तो अभी यहाँ पे पार्किंग का हालत देख सकते हो आप। अभी दोपहर के 2 बज रहे, तो यहाँ पे भी पूरा पार्किंग हो गया, भर गया पार्किंग से, मतलब बहुत सारे लोग आ गए। तो मैं सुबह जल्दी आया था तो अभी कोई नहीं था, तो 3 बजे के बाद यहाँ पे बंद कर देते, तो यहाँ पे सामने पुलिस वाले ही खड़े है, तो अंदर जाने नहीं देते। तो वाटरफॉल के पास जाके तो बहुत मज़ा आया, मतलब पैसा वसूल था। मुझे लगा था ज़्यादा बारिश रहेगा तो आज जाने नहीं मिलेगा, क्योंकि जुलाई का टाइम है, तो मैं बहुत सुन रहा था कि यहाँ पे बंद है, पर चालू था तो बहुत मज़ा आया। तो घर जाने के पहले आपको एक बात मैं बोलना चाहूँगा, आप यहाँ पर अगर आने का प्लान बना रहे हो तो सैटरडे संडे यहाँ पे मत आना। जैसे कि मैं ट्यूसडे को आया, मंगलवार को इतना रश था, तो सोच सकते हो सैटरडे संडे को कितना रश होगा यहाँ पे। और दूसरा एक बात बोलना चाहूँगा, ज़्यादा बारिश रहेगा जब मत आना, कम बारिश रहेगा जब आओगे ना आप, तो आपको नज़दीक तक जाने मिलेगा और बहुत ही मज़ा आएगा आपको नज़दीक से, बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह आप ले सकते हो। ज़्यादा बारिश में आप ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते क्योंकि पानी का फोर्स ज़्यादा रहता है। अगर आपको दूर से अगर फ़ोटो वोटो खींच के आप दूर से देख के खुश हो तो ज़्यादा बारिश के टाइम भी आ सकते हो। आपको मतलब जाने के टाइम रास्ते में आ गया था मैं, जैसे कि मैंने दिखाया था, तो दूर से भी देख सकते हो, मतलब नदी के अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बाहर से भी आपको वाटरफॉल दिख जाएगा।
और आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।